कोई भी ज्वेलरी तो हर लड़की को बहुत पसंद आती है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए कि अभी एनुअल कलेक्शन आ गया है, जो भी एनुअल कलेक्शन. नो रियली सीरियसली, वो तो मैं मजाक कर रही थी. आई लव, देखो अभी गीतांजलि, इट्स ऑल्सो इतना बड़ा नाम है, इतने सालों से पॉपुलर रहा है, एंड एवरी गर्ल इट्स लाइक अ ब्रांड, यू नो. आप कोई भी ऐसी दुकान में जाते हो तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ वुमन टू बाय हर ज्वेलरी फ्रॉम गीतांजलि. सो आई एम वेरी हैप्पी के यू नो they are giving me a lot of jewelry. आपकी भी शादी शायद नजदीक आने वाली है, तो क्या शॉपिंग करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहेंगे शॉपिंग? मैं तो सिर्फ बोलूँगी अगर गीतांजलि की ज्वेलरी नहीं लिया तो मैं शादी नहीं करूँगी. अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है यू नो, क्योंकि वो ज्वेलरी जो उनकी शादी में उनके लिए उनको दिया जाता है या वो पहना जाता है, वो ज़िंदगी भर यादगार रहते हैं उनके लिए. और लड़कियों के लिए ज़रूरी ये होता है क्योंकि उनके जो माँ बाप होते हैं वो ज़िंदगी भर उनके लिए यू नो सेव करते हैं, क्योंकि उनकी शादी होती है, जब शादी में होंगे तो मैं अपनी बेटी को ये हार पहनाऊँगी, ये हार पहनाऊँगी. तो मेरे घर में भी सेम है, मेरी मम्मी भी लगी रहती हैं कि ये तुम पे अच्छा लग रहा है, ये तुम पे अच्छा लग रहा है. और अभी मेरी मम्मी का और मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट सा पहनती हूँ. तो वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरे हाथों में कुछ नहीं है, इतना जीरो बड़ा बड़ा पहनना चाहिए. तो वहाँ से थोड़ा सा टक्कर चल रहा है हमारे बीच, पर जितना ज्वेलरी आ रहा है इतना ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ. शादी का सीजन आ रहा है तो ये बेस्ट टाइम समझ रही है आप, अनमेरिड वन के लिए देखा जाए तो? हाँ जी, न्यू कलेक्शंस के लिए ये बेस्ट टाइम है शादी का सीजन. ऑफकोर्स, क्योंकि अभी क्योंकि ज़्यादातर सीजन्स में दिसंबर नवंबर जैन फरवरी में ही ज़्यादातर शादी होती है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है. तो जो भी कलेक्शन बनाया जाता है पूरा साल, वो इस वक्त जो भी ज्वेलरी होती है वो सबसे बेस्ट होती है. तो दिवाली और दिवाली के बाद जो शादी का सीजन शुरू हो जाता है. जेल में से अगर किसी का कोई गिफ्ट देना हो तो वो कौन से पर्सन होंगे जिसे आप गिफ्ट देंगे और क्या गिफ्ट देंगे? मैं अश्मित को गिफ्ट दूंगी क्योंकि उनकी बर्थडे आने वाली है 13th of Jan, और ये उनका बहुत स्पेशल क्योंकि वो 40 के होने वाले हैं. तो 40 तो बहुत बड़ा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आई वुड लाइक, क्योंकि वो अपने हाथ में कुछ नहीं पहनते, तो मैं सोचा एक छोटा सा गोल्ड ब्रेसलेट या फिर एक गोल्ड रिंग, कुछ ऐसी चीज़ मैं उनके लिए ले लूँ. और फिर उसके बाद 1st को मेरा बर्थडे है, तो मैं अगर कुछ छोटा सा लूँगी तो मैं उनको यहाँ लेके बोलूँगी मेरे लिए कुछ बड़ा सा लो. निर्दोष के बारे में जानना चाहेंगे जी, किस तरह की मूवी होने वाली है और आपके कैरेक्टर के बारे में? निर्दोष एक ऐसी मूवी है जैसे आजकल ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलर्स नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं. अभी रिसेंटली ये मूवी आई थी इत्तेफाक, तो निर्दोष में भी उसी सेम जॉनर में है जहाँ मर्डर मिस्ट्री होता है. और जो अरबाज जी हैं, अरबाज खान, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो वो जो केस है उसको सॉल्व करते हैं. लेकिन इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, हर सीन में आपको लगता है कि ये इंसान या ये जो किसका किरदार निभा रहे हैं ये शायद मर्डर होगा, फिर अगले सीन में कुछ और हो जाता है. तो काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एक सस्पेंस थ्रिलर है. मेरा इस फिल्म में जो रोल है, मैं अदा का किरदार निभा रही हूँ. अश्मित और मंजरी फटनेस की शादी होती है और पति पत्नी और वो तो मैं वो हूँ. आगे मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि मर्डर मिस्ट्री में अगर आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो आपको सब पता चल जाएगा. आप जाके ज़रूर देखिए, 19th of Jan हमारी मूवी निर्दोष रिलीज़ हो रही है. अच्छा, अरबाज जी के साथ? अरबाज जी बहुत ज़्यादा फनी है. आप लगते होंगे शायद सीरियस शक्ल से, लेकिन बहुत बदमाश है, मैं उनको कहती हूँ. वो इतने फ़नी है, दे ही हैज़ अ ग्रेट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. सेट पे ज़्यादातर मस्ती ही चलती रहती है. अभी हम लोग 3-4 दिन से प्रमोशन ही कर रहे हैं और इंटरव्यू में भी वो सबको हंसाते ही रहते हैं, तो मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ उनसे, हंसाना कैसे हंसाते हैं लोगों को. अच्छा मैम, इसके साथ में और भी दो मूवी रिलीज हो रही है, 1921 और एक और मनोज वाजपेयी की, तो क्या क्लैश हो रही मूवी कुछ? नहीं देखिए, अभी बॉक्स ऑफिस में जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो वो तो साथ में, आप ऐसा तो नहीं सोच सकते क्योंकि जो भी फ्राइडे आएगा आपकी सिर्फ एक मूवी रिलीज़ होगी, हमेशा साथ में 2-3 मूवीज़ आती ही हैं. लेकिन मैं ये सब कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जॉनर है उन जॉनर से अलग है, तो वो डिपेंड करता है. अगर किसी को जाके फैमिली मूवी देखनी है या सिंगिंग एंड डांसिंग वाली मूवी देखनी है, गाने वाने जो मासी मूवी है या कॉमेडी है या आपको थ्रिलर है, तो हर फिल्म का एक अलग अलग एक पोजीशन होता है. तो इट डिपेंड्स, मुझे नहीं लगता. अगर हाँ, अगर सेम जॉनर का होता, अगर वो भी एक सस्पेंस थ्रिलर होती तो मैं शायद मानती कि हाँ. लेकिन आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट, हमारी मूवी बहुत अच्छी है, बाकी मूवीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन हमारा जॉनर अलग है, तो जिनको देखना वो ज़रूर जाके देखेंगे. बिग बॉस की बात करें तो काफ़ी फीवर चढ़ा हुआ है जी, बिल्कुल. आखिरी हफ्ता है, मैं ज़रूर देखती हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस में खुद 2 बार जा चुकी हूँ, तो आई लाइक इट. और इस बार मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस बार
जैसे लास्ट टाइम ओम स्वामी ये सब जो इतना हल्ला गुल्ला जो हुआ था इस पर थोड़ा कम हुआ है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। टास्क भी जो चल रही हैं इस बार वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और कंटेस्टेंट्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सेलिब्रिटीज़ हैं और कॉमनर्स भी है, ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है क्योंकि जो कॉमनर्स मूवी वैसे भी जो बाहर लोग व्यूअर्स देख रहे होते हैं उनको फिर कॉमनर्स से उनका एक रिलेटिव हो जाता है कि हाँ ये हमारे कॉमनर्स भी हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं है। सो आई लव दैट, आई लव बिग बॉस। जो जितने ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है कि शिल्पा का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है और वो जीत भी सकती है इस बार। फेक फेस की बात करें तो वो कौन लगा? फेक तो नहीं मुझे कोई लगता क्योंकि आप 3 महीने जब तक वहाँ रहते हो, लेकिन थोड़ी सी ड्रामा की क्वीन हिना खान जरूर लगती है मुझे। ओके मैं फाइनली क्या कहना चाहेंगी नेक्स्ट वीक में रिलीज हो रही मूवी। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ये मूवी देखिए निर्दोष, हमारी मूवी अश्मित पटेल, अरबाज खान, मंजरी फर्नेस, मुकुल देव और मैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो जो जूते देना वो हमें देना, आप फेसबुक ट्विटर इंस्टा पर हमें ज़रूर रिस्पॉन्स करके अपना आपको क्या लगा, कैसे लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। बट सी यू एट द मूवीज़।